मैं देख रहा था बात भी आप ऐसे ही करती हैं दोनों है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और ट्राइबल किचन के इस बेहद ख़ास एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम हिमाचल प्रदेश के गिरिपार, जिसे ट्रांस गिरी इलाका भी कहा जाता है, वहां पर घूम रहे हैं और यहां के बेहद खूबसूरत इलाके के एक छोटे से गांव में हम मौजूद हैं और इस गांव के एक परिवार के साथ आज ये एपिसोड शूट कर रहे हैं। मेरे साथ आज पूर्णिमा चौहान और मधुबाला हैं। और पूर्णिमा जी, हाँ जी, क्या बनाने वाले हैं आज? हम आज असकलियां बनाने वाले हैं। असकलियां? हाँ जी, असकलियां। असकलियां? हाँ जी। तो असकलियां काहे से बनता है, क्या है, कैसे बनता है? ये आटे से बनती है जी। आटे से बनती है जी, आटे से, सुपर फाइन आटा होता है, बढ़िया बढ़िया वाले आटे से बनता है। तो बढ़िया वाले गेहूं का आटा या चावल का आटा, कौन सा आटा होता है? गेहूं का, हम तो गेहूं का ही करते हैं जी। पहले करते थे चावल और गेहूं का आटा, उसको धो के फिर उसको घाट में ले जाते थे, फिर उसको पीस के फिर बनाते थे, पहले के बुजुर्ग। अच्छा, पर हम तो सिंपल ही आटा करते जी अब जी। और सिंपल आटे के जी, तो बेहद खास प्रोसेस है ये, और पूर्णिमा जी हमें बताएंगे कि कैसे ये पूरा प्रोसेस होता है जी। पूर्णिमा जी शुरू करेंगे। पहले ऐसे आटा डालेंगे जिसमें जी जी, हाँ जी, फिर सोडा डालेंगे, खाने का सोडा, हाँ जी, असकली में थोड़ा कम डालते जी सोडा, हम ज्यादा नहीं डालते, ज्यादा नहीं डालते, हाँ जी। और फिर पानी डालेंगे, वो तो गरम पानी, गरम पानी, हाँ जी, ज्यादा ही गरम भी नहीं, गुनगुना पानी, गुनगुना पानी। इसमें नमक वगैरह कुछ नहीं डालते? नहीं जी, कुछ नहीं डालते। अच्छा, फिर इसको कड़छी से घुमाते इस तरह, बहुत अच्छे से घोल लेना है इसको। हाँ जी, बहुत अच्छे से घोलना पड़ता है ये खूब। तैयार हो गया जी ये। हाँ जी, तो इसको तुरंत यूज कर सकते हैं या? कर भी सकते, थोड़ा ज्यादा घंटे रखे ना, 15-20 मिनट तक, हाँ, तो फिर अच्छी आती है, बहुत अच्छी आती है। अच्छा, अगर आधे घंटे इसको रख दें, 15 मिनट से आधे घंटे, हाँ, तो और अच्छा बनेगा, और अच्छा असकली और अच्छी बनेगी, हाँ जी, और अच्छी बनेगी। अच्छा, और उसके बाद क्या करते हैं? बस जी, फिर असकली लगाते हैं, इसको लगाते हैं, फिर इसको गर्म चूल्हे में डालते हैं गर्म करने के लिए, ढक्कन को, ढक्कन को, हाँ जी। अच्छा, इसमें थोड़ा कहीं घी डालते, कहीं तेल डालते। अच्छा अच्छा, तो पूर्णिमा जी, हाँ जी, आटा तैयार है? तैयार है जी आटा, तो बनाया जाए फिर? हाँ जी, बनाया जाए। तो क्या क्या करना है बताइए? साफ करूंगी जी मैं थोड़ा घी या तेल से इसको। अच्छा, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं आप? ओस्कापरी बोलते हैं जिसको। ओस्कापरी, हाँ जी। तो ये लोहे का है कि क्या है? ये पत्थर का है जी, पत्थर का बना हुआ है, पत्थर का है। अच्छा, हाँ जी, तो इसमें आप डालेंगे अभी? अभी डालेंगे जी इसमें ये। अच्छा, और इसके अब ढक्कन लगाने इसके ऊपर। ओहो, ये आग में जो आपने डाले हुए हैं? हाँ जी, लगाने जी। अच्छा, गरम ढक्कन से? गरम चाहिए जी ढक्कन, तब बढ़िया। ढक्कन तो लोहे के हैं? हाँ जी, ढक्कन लोहे के जी। अच्छा, मैंने सुना है पहले मिट्टी के होते थे। मिट्टी के भी होते जी, लेकिन लोहे के बढ़िया रहते हैं, मिट्टी के फट जाते हैं बनाती बार ना, एक दो फट ही जाता था उतनी बार जब बनाते थे हम जी, तो लोहे के टिकाऊ रहते हैं बस, ये तो उम्र भर के लिए जी। अच्छा, लंबे समय चलते, लंबे समय तक चलेंगे जी। ठीक है, मधुबाला जी ढक दीजिए। हाँ जी, और आज का चाहिए ध्यान इसमें जी। अच्छा, ज्यादा भी नहीं चाहिए, कम भी नहीं चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए, और ये गर्म हो जाना चाहिए पूरी और तरह। गर्म होना चाहिए पूरी तरह, हाँ जी जी। और कितना टाइम लग जाता है इसको तैयार होने में? अब तो कम ही लगता है, जब गर्म हो जाता नहीं जी एक बार, हाँ हाँ, फिर तो कम टाइम लगता है, 5 मिनट। 5 मिनट में वाह, हो जाते हैं गरम। तो 3, 2, 5 और 2, 7 एक बार में बन जाती हैं? हाँ जी, 7 बन जाती है। अच्छा, वेरी गुड। तो ये बताइए पूर्णिमा जी, हाँ जी, कि ये जो असकली है, हाँ जी, ये आप किसी खास मौके पे बनाते हैं या ऐसे ही? ऐसे तो खास मौके पे बनाते हैं हम। अच्छा, क्या क्या खास मौके बताइए? जैसे जैसे दिवाली का साझा हो गया, लोहड़ी का साझा हो गया,
ऐसे बनाते हैं, और ऐसे बनाते हैं हम, बीच में भी बना लेते हैं, जब कभी मन करा मेहमान आए तो मेहमानों के लिए भी बना लेते हैं। लेकिन एक खास खाना है ऐसे, खास खाना है जी। अच्छा, तो इसका मतलब इसको ऐसे ही खाते हैं, क्योंकि इसमें तो नमक तक नहीं डाला गया है। हाँ जी, तो इसको ऐसे ही खाते हैं, कैसे खाते हैं इसको? नहीं जी, पहले तो हम तो पहले शक्कर घी के साथ खाते हैं। अच्छा अच्छा। और फिर दाल के साथ खाते हैं। दाल स्पेशल बनती है इसके लिए हमारे। अच्छा। राजमा की दाल बनती है इसके लिए। राजमा की दाल बनती है। राजमा की दाल के साथ बड़े टेस्टी लगती है। अच्छा। हाँ जी, तो ये बताइए, आपके यहाँ पे लोग अभी भी खेती किसानी ज्यादा करते हैं? हाँ जी, खेती। तो क्या क्या खेती होती है थोड़ा बताइए, कब कब क्या फसलें बोते हैं आप? हमारे तो आलू की खेती होती है, लहसुन की खेती होती है, जैसे आजकल मटर की खेती चली हुई। हाँ जी, और अब तो नई खेती तो मूली होगी। अब मूली इस बार बहुत लोगों ने एक एक डेढ़ डेढ़ लाख की मूलियाँ बेची हैं। तो जो आपके पहले जैसे पहाड़ में खास तरह की दाल होती थी, राजमा बोते थे लोग, मक्का बोते थे, धान बोते थे, तो ज्यादा लोग अभी परंपरागत खेती करते हैं पुराने तरह की, या अब लोग कैश क्रॉप की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, जो जिनसे ज्यादा पैसा मिलता है, क्या है रुझान? कैश क्रॉप की तरफ है जी, जल्द कैश क्रॉप की तरफ। ऐसा मक्की तो अभी भी, मक्की राजमा अभी बेचते हैं, पर धान धोनी बेचते हैं। अक्सर हम लोग ये जब भी आदिवासी इलाकों में जाते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं परंपरागत खेती भी होती है, और हम ये हमेशा सुनते हैं कि परंपरागत खेती के तरीके से जो फसलें पैदा होती हैं वो खाने में सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन जो लोग उनको पैदा करते हैं उनको उससे बहुत ज़्यादा इनकम नहीं होती है। तो इसलिए अब जो पहाड़ी इलाके हैं, आदिवासी इलाके हैं, वहाँ पर भी वो फसलें अपनाई जा रही हैं जिनमें, जिनसे बाज़ार में वो थोड़ा पैसा कमा सके और अपनी जिंदगी को आसान बना सके। ठीक कह रहा हूँ मैं पूर्णिमा जी? हाँ जी, ठीक है जी, है ना। तो देखिए कि मधुबाला जी कहीं जल ना जाए बातों में। अरे वाह, भूल गए आप, देखो जी। हाँ, तैयार हो गई ना? हाँ जी, तैयार हो गई। अब देखो क्या बात है, ये तो एकदम निकल। आपको खिला भी लेते हैं? अभी खिलाते हैं आपको शक्कर और घी के साथ, के साथ। मैं उसी इंतजार में बैठा हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। बीबी जी, शक्कर को और केतले को और दाल को रखते हैं मगर। दाल भी बनाई हुई है आपने? दाल भी बनाई हुई। वाह वाह, मजा आ जाएगा। अब तो देखो। अच्छा, जैसे जैसे निकालते रहते हैं साथ साथ डालते रहते हैं। हाँ जी, ना तो तीन में पहले डाला जी, जी तीन चार में फिर डाला जी, दो इसमें भी डालते, दो शिफ्टों में भी डालते जी। तो ये बताइए पूर्णिमा जी, अभी जैसे आप कह रही थी कि आप तो हाउसवाइफ हैं, हाँ जी, लेकिन आपकी बेटी वकील है, हाँ जी, तो अब आपके समुदाय में लड़कियों को पढ़ाने का चलन बढ़ रहा है, लड़कियों को पढ़ाते हैं? हाँ जी, हाँ, पूरी छूट देते हैं, थोड़ा सा डिटेल में बताइए क्या है आपका एक्सपीरियंस, आपके ज़माने की लड़कियाँ और आज के ज़माने की लड़कियों में क्या फ़र्क है? अब तो जी लड़कियों को बहुत ये देते हैं, अब तो लड़कियां लड़कों से भी आगे बढ़ रही है। अब तो लड़कों को चाहे कम पढ़ाओ और लड़कियों को ज्यादा पढ़ाओ, पहले लड़कियों को कम पढ़ाते थे और लड़कों को ज्यादा पढ़ाते थे, है ना। अब तो लड़कियां लड़कों से आगे बढ़ रही है, बहुत अच्छी। अच्छा, ये बताइए कि आपका हाटी समुदाय जो है, ये जो पूरा इलाका है गिरिपार का, ये जनजाति का दर्जा मांग रहा है, क्या आपको पता है इस मुद्दे के बारे में, क्यों जनजाति का दर्जा मांग रहे हैं, क्या फायदा होगा उससे? अरे बहुत होगा जी फायदा, हमारे बच्चे भी आगे बढ़ेंगे ना, तुम्हारे बच्चे रह गए पढ़ने वाले पीछे, औरों के बच्चे, इनके बच्चे चले गए आगे, हमारे बच्चे 90-90, 100% वाले भी पीछे रह गए, और इनके 30 और 40 वाले भी आगे चले गए। तो आपको आइडिया है इस बात का? हाँ जी, तभी तो हट्टी मांग रहे कि हट्टी चाहिए, हमारे बच्चे भी आगे जाएंगे ना, तो हमारे बच्चे पीछे आ गए और पीछे आके डिप्रेशन में जाते जी, जी है ना। अब जो तो आगे बढ़ने वाले बच्चे हो तो आगे ही बढ़ने चाहिए, चाहे हमारे हो चाहे इनके हो, किसी के भी हो, किसी के जनजाति के। जी, तो आप ये कह रही है कि आपके बच्चे होशियार हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता जी, और अगर जनजाति का दर्जा मिल जाए, बराबर होना चाहिए जी, तो तब ठीक है। तो ट्राइबल किचन में आमतौर पर हम आपको जनजातीय इलाकों में ले जाते हैं, आदिवासी इलाकों में ले जाते हैं, और वहाँ की भाषा, बोली, संस्कृति, उनकी ज़िंदगी के संघर्ष, उनकी ज़िंदगी के मसले, वो सारी बातों से
आपको रूबरू कराते हैं अपनी ग्राउंड रिपोर्ट्स और ट्राइबल किचन के जरिए। लेकिन आजकल हम जिस इलाके में हैं, ये हाटी समुदाय का इलाका है हिमाचल प्रदेश में, और ये समुदाय खुद को जनजाति मानता है। इनके रिश्तेदार हैं एक नदी के पार, और वो उत्तराखंड में पड़ता है जौनसार इलाका, उनको जनजाति का दर्जा 50 साल पहले मिल चुका है। लेकिन ये जनजाति अभी भी संघर्ष कर रही है कि संवैधानिक तौर पर इनको जनजाति का दर्जा मिलना चाहिए। तो इस इलाके में हम इस समुदाय को जानने समझने की कोशिश में आए हैं, और इसी सिलसिले में आज पूर्णिमा जी और मधुबाला जी और उनके साथ और बहुत सारी महिलाएं लड़कियां बैठी हुई हैं। तो इनमें कई टीचर हैं, हाउसवाइफ हैं, है ना, पढ़ी लिखी लड़कियां हैं। तो आप सबको भी हाटी समुदाय की जनजाति की मांग के बारे में पता है ना, है ना? बहुत बढ़िया। आप बताइए, आप बताइए, आप क्या करती हैं? पहले अपना नाम तो बताइए। सीमा चौहान। सीमा चौहान, और आपका क्या नाम है? सीमा चौहान। आप ही पढ़ाती हैं? सीमा चौहान, सीमा चौहान। वो आजकल एक कॉमेडी शो में आता है ना, रिंकी चिंकी, कुछ कुछ ऐसा है। तो मैं देख रहा था, बात भी आप ऐसे ही करती हैं दोनों। है बस, थैंक यू। ना बोल रहे दे इंद्र खाने, ये जी शक्कर है जी। आहा, क्या बात है। और इसमें घी है? ये घी है जी। बहुत बड़ी, बस 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 बस, काफी है। बढ़िया बढ़िया जी, उसको ये घर का घी है, घर का जी। वाह, अच्छा, ये अलग से रख के जितनी मर्जी ले सकता हूँ। हाँ जी जी, एक से शुरू करता हूँ। हाँ जी, एक से करो, है ना। तो दोस्तों, पूर्णिमा और मधुबाला ने मिलके जो असकली बनाई है, घी शक्कर के साथ हमारी थाली में मौजूद है, और इसका स्वाद चखना है। मुझे पता है कि आपको मुझसे ईर्ष्या हो रही होगी, क्योंकि असकली और घी शक्कर तो आप देखने के बाद इसको बना सकते हैं, लेकिन इन वादियों में जहाँ बैठ के, जिस घर की रसोई में और इतने खूबसूरत लोगों के बीच मुझे जो मौका मिल रहा है, वो बहुत कम लोगों को मिलता है। पूर्णिमा जी और मधुबाला जी, जिंदगी भर मेरे दिल से आपके लिए दुआएं निकलेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट है, और मेरी शुभकामनाएं हैं आपको और आपके पूरे समुदाय को कि जल्दी ही आपकी मांग पूरी हो। बहुत ही ज़बरदस्त है ना, आपकी सारी दोस्त भूख से बिल बिला रही हैं, उनको भी दीजिए कुछ खाने के लिए। तो दोस्तों, इसको आप चाहें तो दाल के साथ खाएं, चाहें तो राजमा की दाल के साथ खाएं, जैसा पूर्णिमा जी ने बताया कि इसका स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उसके साथ। मेरी माने तो घी शक्कर के साथ खाएं। आप अगर इसे मटन या चिकन के साथ भी खाएंगे तो भी आपको बहुत मज़ा आएगा। ट्राइबल किचन का ये सिलसिला चलता रहेगा, ऐसे ही देश के दूर दराज के इलाकों में बसे खूबसूरत लोगों से, उनकी खूबसूरत ज़िंदगी से और उनके खूबसूरत खाने से आपका परिचय कराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।